डैड के सिक्कों के संग्रहालय को देखने में बहुत मजा आता है। ये देखो डॉलर, एक असली निकल। अरे अरे, वो तो लुढ़कता हुआ चूहे के बिल में घुस गया। हमें उसे वापस निकालना होगा, वो डैड का मनपसंद सिक्का है। चलो डॉलर, मैं मदद करता हूँ। यहाँ हमें चाहिए प्रोफेसर किंगबिन का सिकुड़ने वाला ऑटोमाइजर, देखते जाओ। बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अब उस सिक्के को निकालो। जरा इस जगह को तो देखो, हमारी खोई सभी चीजें यहाँ मौजूद हैं। वो रहा मॉम का मेकअप आईना, वो रही मेरी गाड़ी, और वो रही आयरोना की बालों की जाली। यहाँ तो हर खोई चीज मिल सकती है। डॉलर सब लो। कौन हो? मैं रिची रिच हूँ। ओ, वो अमीर दादा। हे, ये गाड़ी मुझे याद है जो 3 साल पहले खो गई थी। इसे मिला वो हंसा जो खोया वो रोया। चूहों के देश में कैसे आना हुआ? मैं एक नायाब सिक्का ढूंढ रहा हूँ जो अभी अभी लुढ़कता हुआ यहाँ आया था। हाँ, यही तो है वो। अफसोस, मैं इसे टायर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर ये एक अनमोल सिक्का है। मेरे लिए भी ये अनमोल है। इस गाड़ी में तो मैं भागा करता हूँ। भाग निकलने की गाड़ी? यहाँ तुम्हें किससे भागना पड़ता है? उससे। मुझे कुछ करना होगा। समझ गया, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है डॉलर, गुड नाउ। डॉलर, इस सिक्के को डांट के संग्रहालय में वापस रख देते हैं। लो, बिल्कुल नए जैसा। डॉलर, ये सिकुड़ने वाला यंत्र अच्छा है ना? एक बार फिर से करें। ए, तुम दोनों में अकेलमंद कौन है? हाँ, में कुछ चमक रहा है। अपना घोंसला बनाने के लिए ले जा रही होगी। चलो देखते हैं। वो रहा घोंसला। वो रही चिड़िया। बहुत ही घमंडी लग रही है। तुम्हारे पास ऐसा घोंसला होता तो तुम भी घमंडी होती। उस चिड़िया का घोंसला मेरी माँ के जेवरों से भरा हुआ जो है। मुझे खाने पर बुलाने के लिए शुक्रिया रिची। मैं तुम्हें प्रोफेसर किंगबिन का नया आविष्कार दिखाना चाहता था, मैको विजन। हैमबर्गर खाओगी? मुझे हैमबर्गर बहुत पसंद है। ये बताओ, फ्रेंच टोस्ट कैसे रहेंगे? वाह वाह, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी। बस कहने भर की देर है। ये क्या, इसमें शहद तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, डॉलर अभी ले आएगा। जरूर। शायद प्रोफेसर की प्रयोगशाला से आ रही है। चलो पता लगाते हैं। तो इसीलिए
मधुमक्खियाँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। हाँ, मैं अपने नए आविष्कार माइक्रोवेव इंसेक्ट कम्युनिकेटर की जांच कर रहा था। इसके जरिए मैं दुनिया के किसी भी कीड़े से बातचीत कर सकता हूँ। क्या मैं मच्छरों को बोल सकती हूँ वो हमें न काटे? हाँ बिल्कुल, और वो तुम्हारी बात मानेंगे। वहाँ देखो रिची, वो क्या है? ये तो एक बड़ा सा कीड़ा है। मैं किंग बी हूँ। किंग बी? अब वो कम्युनिकेटर मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं, अगर ये गलत हाथों में पहुंच गया तो। पहुंच तो गया है। इसको मेरा ताज बनाकर मैं यकीनन बन गया हूँ। आज के बाद मैं दुनिया के सभी कीड़ों पर राज करूँगा। तुम कभी बचकर नहीं निकल पाओगे। अच्छा, ये देखो। अब मेरे प्यारो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ये तो शहद है। हमें चाट कर साफ करने के लिए शुक्रिया डॉलर। ऋषि, तुम्हें क्या लगता है कीड़ों से बात करने वाले यंत्र के साथ किंग भी क्या करेगा? चलो क्रांत स्कैनर से पता लगाते हैं। पेरिस में आईफल टावर लाखों मक्खियों के हमले का शिकार है, और किंग बी का कहना है कि अगर उसे 1 करोड़ फ्रैंक ना दिए गए तो वो उस इमारत को गिरवा देगा। यहाँ न्यूयॉर्क में किंग बी की सेना ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर दिया है, और किंग बी भी वहाँ है। और इंसान, किंग बी की ताकत पर नजर डालो। वो तो सारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स को निकल रहे हैं। यहाँ आओ मेरे वफादार साथियों। उसने स्टॉक एक्सचेंज की हड्डियाँ निकाल दी हैं। रिची, ये तो बहुत बुरा हुआ। किंग बी को रोकना होगा, और मैं जानता हूँ कैसे। चलो साथियों, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डॉलर, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जगह पर बैठे रहो। रिची, देखो, ये तो किंग बी का हवाई जहाज है। हाँ, मार जाओ किंग बी, मैं तुम्हारे पीछे। रिची रिच, अब मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। ये देखो, तो लगता है लड़ाई जबरदस्त होगी। कस कर पकड़ो। शाबाश, वो कहाँ गया? वो फिर से आ गया। ये क्या चीज है? शहद। ओ, हमारे इंजन जाम हो गए हैं। हमें अपने इमरजेंसी लैंडिंग यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। अब इस शहद को हटाना होगा। किंग बी जरूर अपने अड्डे पर पहुंच गया होगा। हम उसके अड्डे को कैसे ढूंढ पाएंगे? आसान है, ये शहद हमें बताएगा। शहद? देखो, डेटा इनपुट की तैयारी करो। डेटा इनपुट तैयार है। बढ़िया है। ये कहाँ से आया? वहाँ देखो, हमें किंग बी के अड्डे का पता चल गया है। ओ रिची, तुम किंग बी के टापू को कैसे ढूंढ पाओगे? उसी ने मेरा काम आसान कर दिया है। देखो, मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। ओ, किंग बी की हमलावर सेना। ओ नहीं, और कीड़े, अब हम क्या करेंगे रिची? कीटनाशक पाउडर, इसे छोड़ो डॉलर, हमारी समस्या इससे बहुत बड़ी है। उड़ने वाले कीड़े, वो हमारे जहाज को खा रहे हैं। जहाज से बाहर निकलने की तैयारी करो। डॉलर, इमरजेंसी दरवाजा खोलो। ओ नहीं, हमारे पास पैराशूट भी नहीं है। घबराओ मत साथियों। देखो
आवाज मत करना। जॉर्ज, उन्होंने हमें सुन लिया। विशाल मकड़ियाँ हम पर चारे बुन रहे हैं। हम फंस गए हैं। रिचे रिच, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी पर तुम नहीं माने। अब तुम बच नहीं पाओगे। ऐसा तुम सोचते हो। दुनिया के कीड़ों, उठो और सूरज को बुझा दो। सूरज को बुझा दो? हाँ, और अगर धरती ने अपना खजाना मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस ग्रह को बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा बना दूंगा। शाबाश मेरे बच्चों, लगे रहो। ठंड लगने लगी है। अब तुम क्या करोगे? अब एक ही चीज की जा सकती है। ऋषि कॉलिंग अरोना, ऋषि कॉलिंग अरोना। ये कौन है? ये आयरोना है। अब तुम देखते जाओ ये क्या कर सकती है। सबसे पहले मैं कुछ आरामदेह कपड़े पहन लूँ। ये हुई ना बात, अब देखो। शुक्रिया आयरोना। जल्दी करो आयरोना, हैमर जैमर उठाओ। अच्छा रिकी। रुको, ये क्या कर रहे हो? इसके साथ तुम्हारे भाग जाने की उम्मीद तय तय कर रहा हूँ। रुको मेरे बच्चों, पापा। ये क्या है? मकड़ी के जाले से बनाया हुआ मेरा पंडा लाके। कीड़ों से बात करने वाला मेरा यंत्र है। जिसे मिला वो हंसा, जिसे खोया वो रोया। मेरा रिकी बड़ा सयाना। लौट आओ मेरी वफादार प्रजा। लगता है वफादार प्रजा तुम्हें दगा दे गई है। ओ यंत्र तो तुम्हें मिल गया पर मुझे कैसे पकड़ोगे? अभी देखते हैं। पत्थरों, मैं तुम्हारा राजा हूँ। उस बदमाश को सीधे जेल ले जाओ। और अभी इसी वक्त। केंद्री का सिक्का तो खत्म हुआ। अब हम घर कैसे जाएंगे? आसानी से, देखो। एक उड़ता हुआ गलीचा। गलीचे में बहुत सारे कीड़े हैं। घर पहुँच कर मैं इसे साफ कर दूंगी। चलो अब हम अपना फ्रेश टोस्ट खा सकेंगे। बिल्कुल। डॉलर, जरा वो शहद तो इस तरफ सरकाना। ओ,